नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने सिलेंडर के आकार की लकड़ी का आयतन कैसे निकाला जाए इसके बारे में चर्चा किया था, यानी कि बेलनाकार लकड़ी, यानी कि गोली लकड़ी और लंबी लकड़ी, उसका आयतन आप कैसे निकालेंगे घन फुट में और घन इंच में। तो इसको आपने समझा अच्छे से। आज हम लोग समझेंगे कि लकड़ी अगर चौकोर है, यानी कि घनाभ के आकार की है, चौकोर लकड़ी समझते हैं ना, चौकोर लकड़ी का मतलब कि जिसका सिरा वर्ग के आकार का हो या आयत के आकार का हो, और फिर उसकी ऊंचाई हो या फिर लंबाई हो, तो वो चौकोर होती है। तो इसका आयतन हम कैसे निकालें घन फुट में? तो इसका उस गोले वाले की अपेक्षा थोड़ा सा सरल है, बहुत सरल है। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो लकड़ी है, इसकी जो लंबाई है 15 फुट, ठीक है, मान लीजिए ये 15 फुट लंबी लकड़ी है और इसकी जो किनारे की मतलब चौड़ाई कह सकते हैं या ऊंचाई, वो 2 फुट है और ये 1 फुट है। अब समझिएगा ये लकड़ी कैसी है, घनाभ के आकार की। देखो, एक होता है घन, एक होता है घनाभ। घन का मतलब होता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो और ऊंचाई भी बराबर हो। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है तो वो घन है। जैसे कि ग्रीटिंग का डिब्बा आमतौर पे होता है, केक का डिब्बा, इस तरह का। और अगर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है और ऊंचाई भी अलग है, यानी कि तीनों अलग हो गया, लंबाई, चौड़ाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, मान लो ये 10 है, ये 5 है और ये 2 है, तीनों अलग अलग हो गया, तो इसे हम घनाभ बोलते हैं। तो लकड़ी इस घनाभ के जैसी होती है, और घनाभ के जैसी अलमारी होती है, संदूक होती है ना, घर भी हो सकता है, डिब्बा भी ग्रीटिंग का हो सकता है। तो हालांकि दोनों का आयतन सेम है निकालना, इसकी भी तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर दो तो आयतन निकल जाएगा, इसका भी। तो चूंकि इसकी तीनों भुजाएं सेम होती हैं, इसलिए एक ही भुजा का क्यूब कर देते हैं, घाते 3, लेकिन इसका तीनों का अलग अलग है जिसके कारण गुणा करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लकड़ी है, इसका जो आयतन होगा वो होगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। यानी घनाभ का आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है, वही फार्मूला इस लकड़ी का आयतन निकालने का होगा। और क्या होता है फार्मूला? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, बहुत सरल है, तीनों का गुणा कर दो, आयतन अपने आप आ गया। अब जैसे ये जो मैंने उदाहरण लिया था, इस उदाहरण के हिसाब से ये लकड़ी 15 फुट लंबी है, क्लियर। अब मैंने इसको इंच में नहीं बदला, फुट को इंच में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला है? क्योंकि इसकी तीनों जो माप है वो इंच तक गई ही नहीं है, सीधा सीधा फुट में ही है, और हमको फुट में ही निकालना है, इसलिए हमको इंच वगैरह में बदलना नहीं है, सीधा 15 फुट लंबाई और फिर क्या लिखा है, चौड़ाई। तो चौड़ाई, ये चौड़ाई है, ये मतलब ये लंबाई हो गया, उसके बाद जो बगल में गई है पीछे साइड, यानी कि जमीन से लगी हुई ही मान लीजिए, पीछे साइड जो गई है वो चौड़ाई है, और वो कितना है, 1 फुट, और ऊंचाई ये है ऊंचाई 2 फुट, क्लियर। आप आगे पीछे भी लिख दोगे तो गुणा में कोई दिक्कत नहीं होती, गुणा में आप किसी को पहले लिख दो किसी को बाद में, चलता है। तो 15 × 1 × 2 सबका गुणा कर दो, तो 15 × 1 = 15 × 2 = 30, और ये क्या आया, 30 घन फुट। मतलब इस लकड़ी का आयतन 30 घन फुट है, क्लियर। अब आपको मैं एक और उदाहरण से समझाता हूं कि जिसमें ये जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो हो सकता है कि करेक्ट फुट में ना हो, इंच में भी गई हो, तब उसे कैसे करेंगे, तो उसे इंच में बदल के करेंगे। तो यहीं पर मैं इसी उदाहरण से आपको समझा देता हूं, मैं इसका जो बदल देता हूं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की माप को मैं बदल देता हूं, बाकी आकार तो ऐसा ही है, आकार में कोई दिक्कत नहीं है।
तो जो इसकी माप मैंने लिया है वो कुछ इस प्रकार से है, लंबाई है 12 फुट 6 इंच, चौड़ाई है 1 फुट 5 इंच और ऊंचाई है 2 फुट 3 इंच। ये ऊंचाई होती है ना, ऊंचाई को पहले लिखते हैं, ये ऊंचाई है 2 फुट 3 इंच और चौड़ाई है 1 फुट 5 इंच, ये चौड़ाई है। मैं फिर से आपके आपको कह रहा हूं कि आप इसको अदल बदल के देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करने पर वही आएगा। तो ऊंचाई का मतलब जैसे लकड़ी रखी हुई है, मान लो ये जमीन पे रखी है, तो ये उठा या उठा हुआ जो भाग है ना उसी को ऊंचाई बोलते हैं। तो करेक्ट रहे, मतलब ऊंचाई को चौड़ाई ना मान ले, इसलिए मैंने सही लिखा, ये ऊंचाई है ये चौड़ाई है, जितना ये है वही ये है, वही ये है वही ये, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि फुट और इंच दोनों मिक्स है, तो हम क्या करेंगे, फुट को इंच बना देंगे, मतलब बड़ी माप को छोटी माप में बदल देंगे, उसके बाद इंच का गुणा करके घन इंच में आयतन निकालेंगे और लास्ट में 1728 से भाग दे देंगे, फुट बन जाएगा। तो लंबाई है 12 फुट 6 इंच, तो पहले मैं सबको लिख लेता हूं अलग से, उसके बाद आगे कार्यक्रम आपका चलेगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई 12 फुट 6 इंच जो है, तो 12 में अगर 12 का गुणा करके 6 को जोड़ दो तो पूरा इंच बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 × 144 × 6 कितना हो गया 150 इंच। लंबाई कितना हो गई 150 इंच, 12 फुट का मतलब 144 इंच प्लस 6 इंच और 150 इंच। चौड़ाई में आ जाओ, तो चौड़ाई कौन है, ये 1 फुट 5 इंच, तो 1 में 12 का गुणा करो और 5 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 12 × 1 = 12 और 5 कितना हो गया 17 इंच, यानी कि 150 इंच लंबाई और चौड़ाई 17 इंच। ऊंचाई की बात करें तो ये है 2 फुट 3 इंच, यानी कि 2 में 12 का गुणा करके 3 को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 12 × 2 = 24 × 3 यानी कि 27 इंच। तो लंबाई 150 इंच, चौड़ाई 17 इंच, ऊंचाई 27 इंच, सबका गुणा कर दीजिए क्योंकि निकालना है आयतन। लंबाई 150 गुणित चौड़ाई 17 गुणित ऊंचाई 27, जब सबका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 68,850। 68,850 घन इंच, क्यों इंच में लिखा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इंच में है। अब आप 68,850 में 1728 का अगर भाग कर दें तो वर्ग फुट बन जाएगा और कितना आएगा 39.84 घन फुट, समझिएगा। इस मतलब इसके पहले जो सवाल थी उसमें इंच नहीं था, केवल फुट में ही था, इसलिए मैंने तीनों को आराम से गुणा कर दिया, घन फुट में आंसर आ गया। इस सवाल में फुट के साथ इंच भी है, तो सबको मैंने इंच में बदला, कैसे बदला वो आपने देखा, उसके बाद फिर गुणा किया, तो जब गुणा किया तो इंच में ही आंसर आ गया, यानी कि घन इंच। फिर आपने 1728 का भाग दिया तो जो आया वो घन फुट बन गया। पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि 1728 का भाग क्यों देना है, क्योंकि 1 घन फुट = 1728 घन इंच होता है। तो जब भी फुट से इंच में बदलना हो घन में, तो 1728 का गुणा करेंगे, और जब इंच से घन में बदलना हो, इंच से फुट में बदलना हो, तो 1728 का भाग करेंगे, इसीलिए मैंने भाग किया है और 39.84 आया। इसका मतलब लगभग आप कह सकते हो लगभग 40 घन फुट ये लकड़ी है, 40 घन फुट से थोड़ा कम, क्योंकि 0.84 है ना, 0.84 मतलब 0.25 से ज्यादा है, लेकिन 40 नहीं है, तो मोटे तौर पे 40 घन फुट आप इसको बोल सकते हैं।
तो बस चौकोर लकड़ी में ऐसे ही होता है, इंच में रहेगा या फुट में रहेगा। अब आपको आयतन फुट में ही निकालना होता है, तो फुट वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंच वाला है तो बस बाद में 1728 का भाग कर दीजिए। अब अगले वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि अगर लकड़ी शंकु के आकार की है तो शंकु के आकार में भी दो प्रकार का आकार होगा। शंकु के आकार, शंकु मतलब समझते हैं, वो आपको मैं अगले वीडियो में डिटेल में सिखाऊंगा, अभी आप समझ लीजिए। शंकु का मतलब ये है शंकु। टेंट मतलब जैसे लोग खेला दिखाने वाले टेंट लगाते हैं उस तरह का, या फिर ऐसे भी हो सकती है लकड़ी, यानी कि नीचे मोटाई ज्यादा ऊपर मोटाई कम, तो इसका आयतन कैसे निकलेगा। या फिर नीचे मोटाई इतना और ऊपर जाकर के एक बिंदु पर टिक गई, मतलब ऊपर बिल्कुल है ही नहीं मोटाई, एकदम बिंदु पर टिक गई जहां की मोटाई जीरो आ गई, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका आयतन अलग निकलेगा, इसका आयतन अलग निकलेगा। आमतौर पर जो लकड़ी होती है वो ऐसे ही ज्यादातर मिलती है आपको, एक तरफ मोटी रहेंगी एक तरफ पतली, तो इनका आयतन हम कैसे निकालें, ये थोड़ा मैथमेटिकल भी होगा, ये आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, तो मैं इसको अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट कुछ ना कुछ तो जरूर करिए कि आपके इस वीडियो पर क्या विचार है, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी चालू कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज वीडियो बनाता हूं और फिर आपको कभी सर्च नहीं करना पड़ेगा, सब्सक्राइब किए रहेंगे घंटी चालू रहेगी तो आप जानते ही हैं कि मैं कोई जैसे ही कोई वीडियो डालूंगा वो सेकंड भी नहीं लगेगा और आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।